तरुण जी, चौथी बार बेल की एप्लीकेशन नहीं मिली है, आप इसमें क्या कहना चाहोगे और कितनी बड़ी जीत आपको लग रही है इस चीज को लेकर? आज चौथी हियरिंग है, चौथी हियरिंग है, चौथी हियरिंग थी क्योंकि उसमें ऑर्डर था, तो आज जज ने वो ऑर्डर को देखते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दी। एंड अली को लेके काफी बड़ा नाम उन्होंने लिया था, अली को लेके आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अली को मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मैं किसी को बता रहा था किसी पत्रकार को, 24 तारीख को जब ये बंदा अरेस्ट हुआ, जब कोई थ्योरी नहीं थी, 27 को रिमांड आते आते इनकी पहली थ्योरी चालू हुई नकली चाचा, उसके बाद थ्योरी चालू हुई नकली मामा, उसके बाद थ्योरी हुई कि माँ, उसके बाद थ्योरी चालू हुई कि परिवार ने इसको, फिर चौथी थ्योरी उनके आर्ग्यूमेंट आते आते हो गई कि अली। ये सब थ्योरी जो इनकी सातों थ्योरी को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने एक ही थ्योरी को माना, दैट वॉज लास्ट सेम थ्योरी। आपको क्या लगता है इतनी सारी थ्योरी जो आ रही है बाहर और सब रिजेक्ट हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कितना केस घुमाने की कोशिश पे? देखिए, ये अगर मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार है, ये कुछ नहीं था, ये खाली एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से इस परिवार की इमेज को डाउन किया जाए, इनको कोई मीडिया सपोर्ट नहीं मिले, इनको कोई पुलिस नहीं सपोर्ट करे, इनकी फैमिली की इमेज को डिमिनिश करने की कोशिश थी, जो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके आर्ग्यूमेंट, उनके प्ली में सब कुछ था, ये उनकी बेल एप्लीकेशन तक में सब कुछ था, जो कोर्ट ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। और कोर्ट ने आज ये बोला भी है कि आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स के, कोर्ट के पास कोई एविडेंस और तथ्य नहीं थे आपके आर्ग्यूमेंट्स पे, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अब हाईकोर्ट में जाने वाला है, क्या लगता है आपको, किस तरह की उम्मीदें आपकी? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर बैठा हूँ, वो हाइट तो कर। थैंक यू सर, थैंक यू।